एकदम भालू लग रहा है यार। भाई बगीरा आ गया। ओए ओ भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम जा रहे हैं गिल पाजी के वहाँ गिल डॉग कैनल में नवाब को उसके गर्लफ्रेंड से मिलाने। तो नवाब काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, बिकॉज गिल पाजी ला रखे हैं एक तिब्बतन मैस्टिफ की फीमेल पपी, और नवाब को भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाएंगे और अभी से उनके थोड़ी दोस्ती करा देंगे। और वहाँ पे प्रधान रॉटवीलर और बगीरा अमेरिकन बुली भी है जो कि काफी खतरनाक है, तो उनसे भी मिलाएंगे। काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहने वाला वीडियो, तो चलो निकलते हैं फटाफट। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और ये इसने देख क्या पूरी पानी पानी बरसा दी भाई, इसने पूरे थूक से गीला हो गया। नहीं क्या देखो, ये पूरा गीला हो, पूरा गीला हो गया ये अपने अपने लार से। भाई साहब इतनी गर्मी लग गई, चलिए पानी पिलाते हैं यार। तो भाई आ गए पाजी, कैसे हो? बहुत दिन बाद मिलने पाजी से। गिल पाजी के पास जो तिब्बतन मैस्टिफ है ना फीमेल, वो दिखाने वाला हूँ। बहुत खतरनाक हो रही है, तो पता नहीं ये नवाब के साथ कैसे रिएक्ट करेगी। तो कोई जब नवाब को हम मिलाने वाले हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई। ये री खतरनाक। तो नवाब की गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही मोटी है नवाब से। ओ भाई ये तो नहीं आ रहा भाई। ओए 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 भाई सुन रही है यार, हटो हटो अंदर आ। मुझे खाने की पड़ी हुई है। एकदम भालू लग रहा है यार। भालू है, इसका पंजा देखो, हाथ रख के देखो, तुम्हारे पंजे से बढ़कर है। पाजी कितने भयंकर वाला, गर्मी में दिक्कत नहीं हो रही, इसे आप यहीं रखते हो इसके नीचे? चप्पर पे रखते हैं, पंखा चला के यहीं पे सर्वाइव करते हैं, एसी में नहीं। कोई एसी नहीं, कूलर कुछ नहीं चला रखा आपने? एसी नहीं है, क्योंकि जैसे हम इसको शुरू से रखेंगे वैसी रहेगी। हाँ, धूप है, इसे कोई है कुछ नहीं हो रहा, ड्रूल बिल्कुल भी कर रही है, कोई लारे गिरती है, कोई दिक्कत वाली। हमारे नवाब ने इतनी लार निकाल दी, क्या बताऊं। ये देखो पाजी धूप में भी सर्वाइव करवा देंगे। आप लेके कहाँ से है पाजी? ये हम मंसूरी के पास से लेके आए, मंसूरी के पास से। भाई खतरनाक। और मदर फादर दोनों ही इसके इम्पोर्टेड हैं। मदर फादर दोनों इम्पोर्ट। कहाँ से इम्पोर्ट था ये? चाइना से डायरेक्ट इम्पोर्ट। चाइना से इम्पोर्ट लग रहा है, खतरनाक भाई। ये चाइनीज मैस्टिफ है, अभी तो ये बच्ची है, 4.5 महीने की बच्ची है। ये हमारा नवाब को देखो यार। नवाब आजा, मिल अपनी गर्लफ्रेंड से। नवाब तो कुछ नहीं कर रहा भाई, अभी ने भी उठा लिया यार, एकदम बच्चे की तरह लेट गए। तो हमारा नवाब ऑलमोस्ट हो चुका है 6 महीने का होने वाला है, 5.5-6 महीने का, और ये ऑलमोस्ट अभी 4.5 महीने की। इसका साइज देखो यार, कितने किलो के हो गए पाजी? ये 20 के। 20 के जी? हाँ, 20 के। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। 20 किलो की नहीं होगी यार पाजी? ये थोड़ी होती है, 17 किलो की थी जब लेके आए थे। जब लेके आए थे भाई साहब। और मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी गर्मियों में बाल नहीं झड़े हैं इसके, बिल्कुल कोई बाल नहीं, और कोई ज्यादा ये जैसे लार होती है। हाँ, इसमें कोई मजबूरी नहीं, कोई लार नहीं टपक रही, लार नहीं टपक रही, और बाकी आराम से रहती है, पानी जहाँ मिल जाए आराम से लेट जाती है वहाँ पे। और खाने में क्या दे रहे हो इसको अभी? खाने को इसको चिकन फीड वगैरह, और बाकी दही वही दे रहे हो? दही ये ज्यादा खाती नहीं, पर देते इसको दही। देखो भाई, पंकज भाई ने ये उठा लिया, पूरा भालू उठा लिया है, कैसा फील हो रहा है? बहुत भारी लग रहा है, नवाब के सामने तो बहुत भारी है। बहुत भारी है भालू पूरा भाई साहब, फ्लफी फ्लफी एकदम। हाँ पूरा भालू नीचे, ऐसा लग रहा था पहले जब जैसे हम आए थे तो बहुत अग्रेसिव लग रही थी जैसे। हाँ, अंदर से फुल फ्रेंडली है वो, किसी को ना उसी कमरे में घुसता तो उसको काटने को पड़ती कि मेरे घुसे एंट्री ना करे। और कलर भी कितना यूनिक है इसका, एकदम जबरदस्त कलर है, आगे से ब्लैक शेडिंग है और नीचे से भी ब्लैक है, ये पूरी थोड़ी रेडिश टाइप की है, रेड डार्क कलर है ये देखो, ये पूरे ये कलर है, और बाकी इसके नीचे से भी ब्लैक है, सबसे बड़ी ये बात है। हाँ, ये कलर बहुत रेयर है एकदम, ये देखो ब्लैक कोटिंग आ रही, लाइन धारी हुई देखो, नीचे से पूरी ब्लैक है, पूरी ब्लैक है, और ऊपर से रेड, ये देखो ब्लैक शेडिंग है पूरी भाई, जबरदस्त यार। भाई लिली भी बहुत गुस्से में आ गई थी, एकदम खतरनाक हो गई थी लिली भी, और लिली ने बिल्कुल अटैक कर दिया था नवाब पे, बहुत सही है लिली। इसको थोड़ा सा खाने के उसके, बिकॉज रोनी और लिली तो कुछ नहीं करते हैं इसको खाने के लिए, तो इसलिए इसको कुछ नहीं अपना सब खाना दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी बहुत खतरनाक है पाजी, ये भी बहुत खतरनाक, अपने खाने को हाथ नहीं लगाने देती, बिल्कुल पीछे नहीं हटी यार ये, देख लो अभी छोटी एज में, इससे छोटी है, खाने को हाथ नहीं लगाने भाई साहब, फिर से। और नवाब भी मेरे को लगता है डर गया था, बिल्कुल डर गया, पूरा मुकाबला
भाई ये तिब्बतन मैस्टिफ में होता है कुछ, ठीक है? अभी तो बड़ा होने क्या बोल रहे पाजी, बड़े होके तो भालू बन जाएगा यार। तो पाजी क्या बोलते हैं उनकी, अभी बनेगी बनेगी शादी आदि करवा दे इनकी, क्या है शादी बड़े हो जाएंगे फिर देखते हैं। तो अभी से बनती नहीं बनती है, बन तो बिल्कुल नहीं रही है इनकी यार, लग नहीं रहा मेरे को बनेगी, नहीं लग रही। तो यार मुझे मैंने सोचा था कि इन दोनों की वो करा देंगे जी, इसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। तो गाइस अब हमने नवाब को उसकी गर्लफ्रेंड तो मिला दिया, अब हम नवाब को बघीरा से मिलाएंगे और जो जर्मन शेपर्ड है डाकू उससे मिलाने वाले। तो भाई तगड़ा मजा आने वाला है। ओ भाई बघीरा आ गया। ओ भाई भाई खतरनाक बघीरा बघीरा आ जा भाई, बघीरा शेर जैसा है भाई बघीरा। भाई दोबारा जा रहा है बघीरा। नवाब मिल रहा है बघीरा से भाई, क्या खूंखार लगता है यार ये डबल एक्सएल अमेरिकन बुली बघीरा। खेलेगा भाई साहब, नवाब सबसे भाई इधर ला उसको, इधर ला भी लिली, कितनी बड़ी भयंकर हो गई यार लिली भाई। ओए 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 लिली ने अटैक कर दिया भाई, नवाब डर गया, डर गया, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। ओए काट इसको नवाब को, काट काट लिली भाई साहब। भाई रोटी लेने वाला पाचा चो पाजी का, और डाकू आ गए भाई, आ गए ओए बादशाह आ गया, बादशाह ओए ओ भाई ओ भाई ओ नहीं 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 नहीं, नहीं। भाई घेर लिया भाई नवाब आपको पाजी, ये क्या कर दिया यार, इसका नाम डाकू है ओए नवाब नहीं डाकू नहीं डाकू तेरा ओ भाई भाई साहब रॉटिलर बादशाह डाकू बघीरा नवाब और लिली तो वहाँ घूम रही है। डाकू डाकू हमारा बहुत खतरनाक है, डाकू कुछ नहीं कह रहा बट फ्रेंड भाई साहब नहीं 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 डाकू नहीं भाई बादशाह को देखो यार भाई नवाब बिल्कुल डर चुका है और बिल्कुल भी उसको समझ नहीं आ रहा कि हो कर है, इतने सारे डॉग एक साथ देख लिए, वो भी सारे बड़े बड़े डॉग देख लिए, बघीरा डाकू रॉटिलर, पहली बार लाइफ में इसको रॉटिलर से मिलाया और देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है बिल्कुल खतरनाक, और पूंछ पूरी दबा लिया है इसने भाई थोड़ा सा निडर बन यार, तेरे को हमने इतना ज्यादा सोशलाइज नहीं करा दिया अभी इसको भाई क्या धूल धूल उड़ गई है पूरी, और बहुत खतरनाक धूल उड़ गई है, और बाकी ये तो हमारा बिल्कुल खेलता ही नहीं नवाब यार। ओए ओ भाई तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पोमेरेनियन के बहुत क्यूट क्यूट से बच्चे, ये देखो यार जबरदस्त भाई, क्या जबरदस्त बच्चे हो रहे हैं। ओए आराम से, ये पाजी कितने दिन के हो गए, ये हो गए 35 दिन के बच्चे हो गए, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं यार, एकदम जबरदस्त स्नो वाइट स्नो बॉल की तरह लग रहे हैं बिल्कुल। अगर किसी को पप्पी चाहिए हमें कांटेक्ट कर सकता है, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं यार, और बाकी ब्रीड अवेलेबल है हमारे पास, कोई भी ब्रीड का पप्पी चाहिए मिल जाएगा गिल कैनल से। ये देखो अभी पोमेरेनियन के अवेलेबल, एक रॉटवीलर का बच्चा भी देख रहा था मैं, वो भी है दिखाता हूँ आपको, ये रहा भाई देखो यार रॉटवीलर का बच्चा, ये प्रधान का बच्चा है क्या, ना 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 प्रधान का नहीं है, ये देखो यार जबरदस्त बादशाह का ये गाइस। अब ना नवाब को जो पाजी का सबसे खतरनाक प्रधान रॉटवीलर है ना जो पूरा फेमस है उससे मिलाने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा खूंखार भी थोड़ा एग्रेसिव भी, उसको खुला नहीं छोड़ सकते, उसको चेन से पकड़ के लेके आएंगे, तो अभी लेके आने वाले हैं प्रधान को, आने वाला प्रधान। ओह आ गया
अब इसको प्रधान को थोड़ी देर हम इसको मिलाते हैं फटाफट नवाब से, देखते हैं नवाब से मिलकर कैसे रिएक्ट करता है। तो देखते हैं नवाब, नवाब तो सुस्त बैठा हुआ यार सर, इसको एकदम समझ नहीं आ रहा कि हुआ गया एकदम से, इतने खूंखार कुत्ते कहाँ से आ गए। ओए ओ भाई नहीं प्रधान काटना मत भाई, क्या स्ट्रेंथ होती पाजी यार, बिल्कुल छुड़ाई नहीं पाया तो अपने को। तो भाई इसने अपने पैर में रस्सी फंसा लिया यार उसके, देखो मतलब उसके उसकी पूरी लीश पकड़ ली है पैर से अपने, जाने नहीं दूंगा ऐसे हैं। ओ गिर गया भाई, अभी गिर गया खतरनाक तरीके से, बॉल पकड़ ली क्या भाई, अभी पूरा गिर गया खतरनाक तरीके से, पूरी धूल लग गई है। कितनी स्टंट लगाई इसने अभी, रोनी से भी ज्यादा, तो भाई खींच ले रहा पूरा भाई, मैं एक बार देखता हूँ कितनी ताकत लगाता है, मैं खींचता हूँ। ओ भाई ओ, 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 ओ भाई भाई मेरे पैर में लग गई। तो भाई देखो यार एज यूजुअल पाजी ने, हम सब आ रहे हैं और खाना वाना सब कुछ आ गया, थैंक यू पाजी यार। जो आएगा कुत्ता लेने वो रोटी पानी खाना खा के जाएगा। पूरा प्योर पंजाबी टेस्ट खाना है ये। पजी समर पाजी का वो है बेटा है, बिल्कुल शर्माता है मुझसे, बात ही नहीं करता है, और कितना क्यूट है देखो यार। मम्मी पे गया क्या पापा, आप पे तो नहीं गया, मम्मी पे गया। आपको डॉगी पसंद है बेटा, डॉगीज पसंद है, नाम बता दे किसी एक डॉगी का नाम बता दो। ये देखो मेरा ही व्लॉग देख रहा है यार, देख लो यार कितना बड़ा फैन है मेरा। गाइस देखो हमने गाड़ी पूरी खोल दिया बिकॉज धूप में खड़ी हुई थी और बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी, बिल्कुल आग बन गई थी अंदर से, तो पूरा खोल दिया है, डिक्की डुक्की सब खोल दिए गाड़ी की, क्योंकि अभी इसमें नवाब को ले जाना है ना, तो उसे गर्म लग जाएगा, उमल जाएगा वो क्यों भाई। और यहाँ देखो सीट में पूरी लार टपका दी थी उसने। गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, कैसा लगा आपको और कैसी लगी आपको ये तिब्बतन मैस्टिफ की पपी, 3.5 महीने के लिए सिर्फ 3.5 महीने के, और जो क्या भालू बन गया है खतरनाक। और आपको व्लॉग पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और गिल पाजी के बारे में अगर नहीं जानते हो ना तो पाजी का कैनल है बहुत तगड़ा, मेरी पिछले वीडियो जाके आप देख सकते हो, काफी अच्छे अच्छे पपीज और सारी क्वालिटी के पपीज मिल जाते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना। पाजी के इंस्टाग्राम के लिंक और यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप फॉलो कर सकते हो, और कोई भी क्वेरीज होती है डॉग्स के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो हमारे पास, जैसे कोई भी इंक्वायरीज आपको चाहिए डॉग पपी हम इंक्वायरी पूरी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, ऑल ब्रीड अवेलेबल है हमारे पास, कोई भी ब्रीड चाहिए हम अवेलेबल करवा देंगे। नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।